वेलकम अगेन इन लर्निंग बैच यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो में जैसे कि मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा आपको बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन, लेकिन उससे पहले हम एक फास्ट रिवीजन ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा हमें पांच जगहों से इनकम होती है और उन सब को जोड़ने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट होता है, और ग्रॉस टोटल इनकम के बाद आपको मिलती है डिडक्शंस ATC से ATU, देन आपके पास निकल कर आता है टोटल इनकम। फिर आप कैलकुलेट करते हो टैक्स, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए रेट्स, एंड जमा कर देते हो गवर्नमेंट के पास उस टैक्स को। गवर्नमेंट के पास जमा करने के लिए आपको भरना आना चाहिए ITR, एक रिटर्न फॉर्म भरना आना चाहिए। हम यहाँ पर काम कर रहे हैं सैलरी के ऊपर। सैलरी में सेक्शन होते हैं 15, 16, 17। सेक्शन 15 जो था चार्जिंग सेक्शन था, जिसने हमें बताया मालिक से मिलने वाली हर एक चीज सैलरी हेड में शो होती है। फिर हमने देखा सैलरी हेड दिखता कैसे है, तो सैलरी हेड में ये सब चीजें ऐसे करके शो की जाती हैं। पहले बेसिक सैलरी, कुछ अलाउंसेस, कुछ परक्यूजिट्स, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ग्रॉस सैलरी आ जाता है इन सब का टोटल। फिर उसमें से तीन डिडक्शन करती है 16-1, 16-1A, 16-2, 16-3। जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा हूं गया थक। उसके बाद आपके पास निकल कर आता है इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसको आप टैक्सेबल सैलरी भी बोलते हो। सही है, ये था रिवीजन। अब चलते हैं बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन के ऊपर, यानी ये वैल्यू आएगी कैसे। देखो, हालांकि 95% क्वेश्चन के अंदर बेसिक सैलरी डायरेक्टली आपको दिया होता है कि आपकी जो बेसिक सैलरी है पर मंथ 8000 है, 10000 है, 4000 है, जो भी है। पहली बात तो बेसिक सैलरी है क्या? जब भी आप कभी किसी कंपनी में जाते हैं तो आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जिस भी आप अपनी पोस्ट को सेलेक्ट करते हैं, जो भी आपकी पोस्ट होगी, जो भी आपकी रैंक होगी, तो हर रैंक के लिए एक बेसिक अमाउंट पहले से ही ऑलरेडी तय किया जाता है कि इस रैंक वाले बंदे को इतना अमाउंट तो मिलना ही मिलना है। उसके अलावा उसे कुछ अलग से अलाउंसेस दिए जाते हैं, उसको कई सारे परक्यूजिट्स दिए जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप और कितने अच्छे रैंक के अंदर काम कर रहे हैं। अगर आप किसी कंपनी में एक CEO के तौर पर काम कर रहे हैं, MD मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं, एक अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो कंपनी आपको घर भी देती है, कंपनी आपको गाड़ी भी देती है, कंपनी आपको कई सारे अलग अलग अलाउंसेस देती है, कंपनी और भी इसी तरीके से बेनिफिट्स देती रहती है। तो बेसिक सैलरी अगर आपको मिल रहा है, सपोज दैट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4000 पर मंथ, वो तो बहुत ईजी है। क्या करोगे? 4000 × 12, तो 12×48, 48000 यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन कभी कभी डायरेक्टली नहीं देता, कभी कभी वो क्या देता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसकी कैलकुलेशन हम सीखेंगे एक एग्जाम्पल के फॉर्म में। तो मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स नहीं, मिस्टर बीन है। देखा होगा आपने मिस्टर बीन छोटे में, हाँ जी। तो मिस्टर बीन है और इन्होंने एक कंपनी को ज्वाइन किया, और कंपनी थी लर्निंग बैच प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी कंपनी है सपोज दैट। और हमारी इस कंपनी को मिस्टर बीन ने जो है ज्वाइन किया, ठीक है। ज्वाइन कब किया है? तो मिस्टर बीन ज्वाइंड दिस कंपनी ऑन, मान लेते हैं इन्होंने ज्वाइन किया 1 अप्रैल 2014 में ज्वाइन किया सपोज दैट, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में डिफरेंस पता होगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्या? ऐसा ईयर जिसमें आप इनकम अर्न कर रहे हो और उसका जो टैक्स है वो आप अगले साल जमा करते हो, उस साल को कहते हैं हम असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब होता है, असेसमेंट वर्ड बना है असेस, असेस का मतलब होता है कैलकुलेट करना। असेसमेंट ईयर का मतलब ऐसा ईयर जिसमें आप कैलकुलेट करते हो कि आपने जस्ट पिछले वाले साल में कितना इनकम अर्न किया और कितना आपका टैक्स बन रहा है। तो अब सवाल उठता है कि हमें कौन से प्रीवियस ईयर की कैलकुलेशन करनी है। तो मैं क्योंकि यहाँ पर असेसमेंट ईयर 19-20 के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो हम इस साल कैलकुलेशन करेंगे और किस साल की इनकम को कैलकुलेट करेंगे? प्रीवियस ईयर 18-19, यानी 18-19 के साल में जितना भी आपको बेसिक सैलरी मिला वो कैलकुलेट करेंगे। अब क्योंकि ये भाई साहब जो है मिस्टर बीन, इन्होंने ज्वाइन किया है 2014 में, तो 2014 से 2015 तक इन्होंने काम किया होगा, 15 से 16। अच्छा, हमारा जो ईयर होता है वो फाइनेंशियल ईयर होता है, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक खत्म होता है। तो ये भाई साहब एक नए फाइनेंशियल ईयर में आए थे 2014 में,
तो 14 से 15 इन्होंने काम किया होगा, 15 से 16 इन्होंने काम किया होगा, 16 से 17 इन्होंने काम किया होगा, 17 से 18 इन्होंने काम किया होगा, 18 से 19 इस वाले साल का हमें पता करना है कि इनको बेसिक सैलरी क्या मिला होगा। अब जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आपको एक ग्रेड पे दिया जाता है जिसे आप बेसिक पे भी बोलते हैं, या आपका पे स्केल दिया जाता है। तो मान लीजिए आप जिस कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं वहां का जो पे स्केल है वो कुछ ऐसा है जो मैं अभी आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। इस तरीके का है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 12,000, फिर है 300, फिर है 13,800, फिर है 400 रुपये, फिर है 17,800। अब सवाल उठता है ये है क्या, ये इतनी सारी खिचड़ी पका दी। तो इसको रीड करने का एक तरीका है, कहता है कि जब मिस्टर बीन या कोई भी कंपनी को ज्वाइन करेगा इस वाली रैंक की, इस वाली पोस्ट की या इस वाली पोजीशन की जो हो जो भी है, अब मान लीजिए अलग अलग जैसे प्यून के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, आप असिस्टेंट एक जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, सीनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, मैनेजिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो हर किसी के जो पे स्केल है वो अलग अलग होते हैं। अब ये शुरुआत कितने से हो रहा है, पे स्केल 12,000 से, यानी जो आपका जो बेसिक सैलरी है वो शुरुआत में जो शुरुआत का जो पहला साल होगा उसमें 12,000 रुपये रहेगा। अब हो सकता है प्यून का इससे कम हो, मैनेजिंग मैनेजर लेवल का थोड़ा इससे ऊपर हो, ठीक है। तो कहता है कि आपने जब कंपनी ज्वाइन करी तो आपका बेसिक सैलरी पहले पूरे एक साल तक 12,000 रहेगा, एंड जैसे ही आप एक साल काम कर लोगे तो आपके उस बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट लगेगा, आपका वो बेसिक बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 300। अब आपको अगले एक साल तक कितने मिलेंगे, 12,300। ये सिर्फ मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा अलाउंस परक्यूजिट्स वो मिल रहे होंगे वो अलग चीज, लेकिन जो बेसिक सैलरी है पहले साल मिला 12,000, फिर मिलेगा 300 बढ़कर 12,300, फिर अगले साल फिर 300 का इंक्रीमेंट होगा, और हर साल 300 का इंक्रीमेंट होता रहेगा जब तक आपकी बेसिक सैलरी 13,800 पे ना पहुंच जाए। तो जरा देखें कितने साल लगेंगे, पहले साल 12,000 पे काम करोगे, फिर 12,300 पे काम करोगे, फिर 12,600 पे काम करोगे, फिर 12,900 पे काम करोगे, फिर 13,200 पे काम करोगे, फिर 13,500 पे काम करोगे, फिर 13,800 पे काम करोगे। 13,800 पे पहुंचने के बाद जो इंक्रीमेंट लगेगा वो इंक्रीमेंट लगेगा 400 का, ठीक है, और 400 का हर साल इंक्रीमेंट लगता रहेगा जब तक आपकी बेसिक सैलरी 17,800 ना पहुंच जाए। तो एक बार कैलकुलेट करें, 13,800, फिर अगले साल मिलेगी आपको 14,200, 14,600, 15,000, 15,400, 15,800, 16,200, ऐसे करते करते यहाँ तक। इसके बाद कोई इंक्रीमेंट नहीं है, आप जब तक रिटायर होंगे उस कंपनी से तब तक आपका बेसिक सैलरी जो है 17,800 ही रहने वाला है। तो आई होप कि ये बेसिक पे जो है, ये पे स्केल जो है, ग्रेड पे जो है, ये रीड करना तो आपको आ गया होगा, इसके अकॉर्डिंग हम आप क्वेश्चन करेंगे। तो मिस्टर बीन भाई साहब जो है 1/4/2014 को आए। अब देखो पहले मैं ना इसको ग्राफिक फॉर्म में समझाऊंगा और फिर पेपर में कैसे करना है वो बाद में देखेंगे। तो मान लीजिए ये आए कौन से साल में है, ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 14-15। तो मैं यहाँ से 14-15 से लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है 14-15 वाला साल, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, ये हमारा प्रीवियस ईयर है, यानी किस साल आई है, 14-15। मैं मिडिल में लिख रहा हूँ 14, यहाँ से 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015, 15-16 मिडिल में लिखो आप भी, 16-17, 17-18, 18-19, ये आपका प्रीवियस ईयर है। और इसके बाद वाला जो ईयर है ये है असेसमेंट ईयर। यहाँ पे आप फॉर्मेट खोल के बैठे हुए, आप बेसिक सैलरी सोच रहे हैं कि यार मैं कितना आएगा कितना आएगा, मतलब प्रीवियस ईयर में कितना मिला बेसिक, यही तो पता करना है। तो ये भाई साहब आए थे 1 अप्रैल 2014 में, यानी यहाँ आए थे ये भाई साहब। तो इन्होंने पहले साल जब काम किया होगा तो 12,000 पे काम किया होगा, अब इनका इंक्रीमेंट लगा होगा 12,300, क्योंकि 300 का इंक्रीमेंट था ना, फिर अगले फिर इंक्रीमेंट लगा होगा, तो इस साल इनको कितना मिला होगा, 12,600, फिर इंक्रीमेंट लगा होगा, फिर मिला होगा 12,900, फिर इंक्रीमेंट लगा होगा तो मिला होगा 13,200। तो हमें तो अपने असेसमेंट ईयर के लिए काम करना है कि प्रीवियस ईयर में कितना मिला होगा, तो प्रीवियस ईयर में इनको कितना मिला है, 13,200 × 12, कितना बेसिक सैलरी हो गया, जरा कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 13,200 × 12, तो इनको पूरे साल भर में 158,400 जो है बेसिक सैलरी मिला होगा, 118,400 जो है बेसिक सैलरी मिला होगा। तो यही चीज आपको कहाँ लिख देनी है,
बेसिक सैलरी की वैल्यू यहां लिख देनी है अगर आपको क्वेश्चन में ग्रेड पे दिया हुआ है तो। और अगर डायरेक्टली दिया हुआ है कि उसे इतनी बेसिक सैलरी मिली प्रीवियस ईयर के अंदर तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो अच्छी बात है। तो यार याद रखना कि हम प्रीवियस ईयर 18-19 का डेटा कैलकुलेट करेंगे किस साल के लिए, 19-20 के लिए। 19-20 में हम ये फॉर्मेट खोल के बैठे हुए हैं और इसमें वो सब चीजें डालेंगे जो हमने 18-19 में कमाई थी। तो बेसिक सैलरी 18-19 में कितना कमाया वो हमें पता लगा 13,200 पर मंथ के हिसाब से 158,400 जो हमें यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब क्योंकि मिस्टर बीन जो थे ये आए थे बहुत ही सिंपल डेट थी, ये तो पहली तारीख को आ गए थे, अगर मैं इनकी डेट बदल दूं और ग्रेड पे यही रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। मान लेते हैं मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, ग्रेड पे यही है लेकिन इनकी डेट चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो डेट में चेंज कर रहा हूँ, अब मैं इसकी डेट जो है वो कर देता हूँ, मान लेते हैं मैं कर देता हूँ 1/8/2015। ये भाई साहब इस डेट को आए हैं 1/8/2015 में और इसी ग्रेड पे में आए, इसी वाली रैंक के लिए आए हुए हैं। तो इनकी प्रीवियस ईयर 18-19 में कितनी सैलरी होगी मुझे ये बताना है। तो मैं फिर से आपको डायग्राम फॉर्म में बनाने की कोशिश करूंगा। डेट आप याद रखना 1/8/2015 है और यहां मैं बनाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं ईयर लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक। कौन से साल में आए ये भाई साहब, कौन सा ईयर है ये, 15-16 भाई, 1 अप्रैल 2015 से शुरू हुआ होगा और खत्म होगा 16 मई 31 मार्च को, तो 15-16 फाइनेंशियल ईयर को ऐसे ही बोला जाता है, ये कैलेंडर ईयर नहीं है, हम फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका 15-16, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको नीचे, ये हो गया आपका 16। वीडियो लाइक कर दिया आप लोगों ने, लग तो नहीं रहा। ये हो गया 17-18 18-19 ये आपका प्रीवियस ईयर है और ये है आपका असेसमेंट ईयर है। लो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। तो ये असेसमेंट ईयर में आपने बेसिक सैलरी कितनी आएगी ये सोच रहे हैं आप, ऐसे ऐसे अपनी ठोड़ी में हाथ लगा के बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि यार यहाँ पे कितनी बेसिक सैलरी आएगी। मतलब आपको फोकस किसका करना है, 18-19 में कितना आपको बेसिक सैलरी मिला वो आपको पता करना है। तो ये जो महाशय हैं ये आए 1 अगस्त 2015 में, यानी अगस्त लगभग अप्रैल में जून जुलाई अगस्त लगभग यहाँ पर आता है, यहाँ पर मैंने जिगजैग कर दिया। ये इनका जो एक साल होगा ना वो अगले साल के अगस्त में जाकर होगा, आप इसे एक साल ये वाले नहीं मानेंगे, जहां से आया है वहां से एक साल, तो यानी यहां से यहां तक पहले इसने एक सैलरी पे काम किया होगा, यहां से यहां तक एक सैलरी पे काम किया होगा, यहां से यहां तक एक सैलरी पे काम किया होगा एंड देन फिर आगे काम किया होगा। तो इससे हमें पता चला कि हमारे प्रीवियस ईयर में दूसरा पेन कहां गया, यहां पे रेड कलर का पेन, ये रहा, हमारे प्रीवियस ईयर में इतने महीने तो इसने पुरानी वाली सैलरी पे काम किया होगा और बाकी के आगे महीने पर इसने दूसरी वाली सैलरी पे काम किया होगा, यानी इसकी सैलरी जो है यहाँ पे अलग हुई होगी बीच में क्योंकि इंक्रीमेंट लगा था। ऊपर वाले क्वेश्चन में ऐसी झंझट नहीं थी क्योंकि वो डायरेक्टली 31 मार्च को ही इंक्रीमेंट हो रहा था, ठीक है ना, यहाँ पे मिडिल में हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब देखो कैसे करोगे, यहाँ पे इस वाले साल में इन्होंने 12,000 पे काम किया, यहाँ पे इन्होंने काम किया होगा 12,300 पे, इस पूरे साल में इन्होंने 12,600 पे और इसके आगे इनकी सैलरी चली गई होगी 12,900 में, मैंने सही करा ना, ठीक है। तो ये कितने महीने हो रहे हैं और ये कितने महीने हो रहे हैं। अच्छा एक चीज और, हम ना एक टाइम का रेशियो बनाते हैं, रेशियो मतलब ये भाई साहब आए थे अगस्त में, तो देखो अप्रैल मई जून जुलाई, ये पहली अगस्त को आ गए ना, तो शुरू के तो हो गए 4 महीने और बाद के कितने हो गए, 8 महीने, तो 8 4 8 4 होते 12, यानी 4 महीने ये खाली बैठे रहे होंगे और फिर 8 महीने इन्हें सैलरी मिली, फिर अगले साल के शुरू के 4 महीने 8 महीने 4 महीने 8 महीने 4 महीने 8 महीने, तो ये वाले 4 महीने में जो इनको सैलरी मिली होगी वो 12,600 मिली होगी और बाकी की ये 8 महीने में इनको जो मिला होगा 12,900 मिला होगा, बात समझ रहे हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 18-19 में कितना मिला है मैं ये बोल रहा हूं, तो शुरू के 4 महीने में 12,600 प्लस, हमें तो 12 महीने का, पूरे 12 महीने का निकालना है, तो शुरू के 4 महीने 12,600 और लास्ट के 8 महीने 12,900 लास्ट के 8 महीने। तो अगर मैं टोटल करूं तो कितना आ जाएगा ये बेसिक सैलरी, तो 12,600 × 4 होता है आपका 50,400 और 12,900 × 8 होता है आपका 1,03,200 जो भी समथिंग, एंड दोनों का टोटल मिलाकर आ जाएगा आपका
153600, 153600, 1,53,600, ऊपर आया था 1,58,400, तो 1,53,600 का क्या मैं अचार डालूंगा, इसको मैं यहाँ शो करूंगा। ये जो मेरी बेसिक सैलरी है ना असेसमेंट ईयर में, कितना लिखूं कितना लिखूं कितना लिखूं कितना लिखूं कितना लिखूं कितना लिखूं, तो 1,53,600 लिखना पड़ेगा मुझे। जैसे कि इस फॉर्मेट में अब मुझे यहाँ पे ये बेसिक सैलरी के आगे कितना लिखना पड़ेगा, 1,53,600। यहाँ पे मैं वर्किंग नोट लगा सकता हूँ अगर मुझे डायरेक्टली नहीं दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, तो डायरेक्टली दिया है तो बहुत बढ़िया, और अगर ग्रेड पे के फॉर्म में दिया हुआ तो आपको वर्किंग नोट करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसी ग्रेड पे पे मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ इसी ग्रेड पे पे, और फिर देखते हैं कि हम कैलकुलेट करना सीख पाते हैं नहीं। लो जी, ये हमारी नोटबुक है, नोटबुक नहीं, ये हमारे नोट्स हैं। तो ये हमारी बुक है, अगर आपको इसे बाय करना है तो आप मुझे कमेंट पे कर सकते हैं, तो आपको ये होम डिलीवर हो जाएगी। एंड इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 1920 के लिए है, एंड सिंप्लीफाइड बाय यू नो माय नेम इज महावीर सिंह। चलते हैं इसके ऊपर, वही एग्जांपल था, मिस्टर एक्स ज्वाइन द सर्विस इन ग्रेड पे ऑफ 12,000 एंड दिस। तो मिस्टर ज्वाइन एक्स हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है, सर्विस ज्वाइन किए किस ग्रेड पे पर, इस ग्रेड पे पर। कंप्यूट करो बेसिक सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। असेसमेंट ईयर 1920 के लिए कैलकुलेट करना है, मतलब इन्होंने 1819 में कितना इनको बेसिक सैलरी मिला वो पता करना है। अगर इफ ही ज्वाइंस, अगर ये ज्वाइन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे, अगर इन्होंने इस तारीख को ज्वाइन करा तो क्या बेसिक सैलरी बनेगा 18-19 वाले साल का, इस तारीख को ज्वाइन किया तो क्या बनेगा, इस तारीख को ज्वाइन किया तो क्या बनेगा इसका इसका इसका। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको कौन सा करवा दूं, दो करवाऊंगा, बाकी आप सभी के जो आंसर्स हैं वो मुझे कमेंट में करेंगे आपके क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं, फिर मैं उसके आंसर्स अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो मैं आपको करवाता हूँ, पहले तो ये वाला करवा देता हूँ, 1/6/2016 इस वाले ग्रेड पे के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलते हैं यहां पर। तो अभी मैं एग्जाम में कैसे करना है वो नहीं बता रहा, अभी मैं सिर्फ आपको ना ग्राफिक फॉर्म दे रहा हूं कि हाँ जो देखने में इजी लगे समझने में इजी लगे। तो ग्रेड पे ये रहा, और आपका ग्रेड पे के बाद डेट हम ले रहे हैं कौन सा, सी वाला, तो मैं सी पॉइंट वाला कर रहा हूं, ये लीजिए सी वाला जो ज्वाइनिंग डेट है वो है आपकी 1/6/2016। अच्छा, अगर मैं रेशियो की बात करूं तो देखो रेशियो कैसे बनेगा, ये जो कौन से ईयर में आए भाई साहब, 16-17 में आए ना, 16-17 में, तो अप्रैल मई दो महीने और लास्ट के 10 महीने, इस तरीके से रेशियो चल रहा होगा 2:10:2:10 का। अभी 2:10 अभी कई लोगों को समझ नहीं आ रहा, मुझे पता है अभी आ जाएगा, डोंट वरी। ये 2:10 में क्यों साइड में निकाल के रख रहा हूँ इसकी वजह है, अभी देखना। तो ईयर लाइन बना लेते हैं, 16-17 में आए ना, 16-17, 17-18, 18-19, और ये आपका हो जाएगा असेसमेंट ईयर। तो ये हो गया आपका 16-17, 17-18, ये प्रीवियस ईयर हो गया आपका 18-19, प्रीवियस ईयर है ये, और ये आपका असेसमेंट ईयर है 19-20। यहाँ पे आप फाइल खोल के बैठे ये सोच रहे हैं कि बेसिक सैलरी यहाँ मैं कितना लिखूँ। ठीक है, तो ये भाई साहब 6 यानी अप्रैल मई जून यहाँ पे लगभग आए यहाँ पे ये, तो यहाँ से ऐसे करके दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट, वेयर इज रेड पेन भाई कहाँ चला गया, यही तो दिक्कत होती है, बस मिल गया। तो यहाँ पर ये फिर से अगले जून में इंक्रीमेंट, फिर अगले जून में, हमें आगे से मतलब नहीं है ना, हमें तो अपने प्रीवियस ईयर से मतलब है कि प्रीवियस ईयर में कितना इसे मिला होगा, तो प्रीवियस ईयर में इसे इतने महीने का और इतने महीने अलग, दो अलग अलग इसे सैलरी मिली होंगी। तो ये कितने महीने हैं और ये कितने महीने हैं, तो मैं ऊपर लिख चुका हूँ क्योंकि 2:10, 2:10, 2:10 ऐसे करके रेशियो चल रहा है, तो 2:10 निकालना इसीलिए ईजी हो जाता है। तो पहले इसका जो रहा होगा वो रहा होगा 12,000, फिर रहा होगा 12,300, जैसी यहाँ से इसने 12,300 पे काम किया होगा, 12,000 पे काम किया, 12,000, 12,000, हर महीने 12,000, पूरा एक साल हो गया। अब इंक्रीमेंट लगेगा 12,300, 12,300, हर महीने इसे 12,300 बेसिक मिलेगा, अब फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब इसे मिलेगा 12,600, 12,600, 12,600। तो शुरू के दो महीने इसे मिला 12,300 प्लस लास्ट के 10 मंथ्स में इसे मिला इतना। तो इसकी वैल्यूएशन, अब देखो शॉर्टकट, थोड़ा कैलकुलेटर चलाना भी सीखो, कैलकुलेटर में देखो कैसे करोगे, कई बच्चे हैं पहले इसे करेंगे लिखेंगे, फिर इसे करेंगे लिखेंगे, दोनों को छोड़ेंगे, नहीं ऐसा मत करो। देखो यहाँ पे मैं आपको एक नई चीज सिखा दूँ, सबसे पहले
आपका कैलकुलेटर बिल्कुल होना चाहिए ब्लैंक, यहाँ पे कुछ भी ना लिखा हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 12 300 इंटू 12 कर लेते हैं, 12 300 इंटू 12 इक्वल्स टू मार रहे हैं चुपचाप से, इक्वल्स टू ये आ गया। अब बिना कुछ छेड़े आगे वाला कैलकुलेशन करो, 12 600 इंटू 10, 12 600 इंटू 10 इसे भी इक्वल टू मार दो। तो एक इक्वल टू पहले लग चुका है, दूसरा इक्वल टू ये अभी लगा है, बस अब आपको जीटी का बटन दबाना है। जीटी मतलब ग्रैंड टोटल, मतलब जितने जितने आपके टोटल इकट्ठे हुए हैं उनका ग्रैंड टोटल आप करेंगे। जैसे ही आप एक ग्रैंड टोटल दबाएंगे तो 273600 इन सबका टोटल आ जाएगा, 273600। तो यही अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा आपका 273600, जो आपको बेसिक सैलरी मिला कब, 18-19 के अंदर, और जिस अमाउंट पर आप टैक्स दोगे किस साल, असेसमेंट ईयर में। असेसमेंट ईयर में आप टैक्स जमा करते हो अपने प्रीवियस ईयर का। अच्छा, ये भी असेसमेंट ईयर रहा होगा और इसका प्रीवियस ईयर रहा होगा ये वाला, ऐसे ही चलते रहेंगे। ये प्रीवियस ईयर रहा होगा, इसका असेसमेंट ईयर ये रहा होगा, इस प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर रहा, ये रहा होगा असेसमेंट ईयर, इस प्रीवियस ईयर वाले का ये रहा होगा। तो हम हमारे सिलेबस में जो हमें असेसमेंट ईयर करना है वो 19-20 करना है, जिसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी है 18-19 की, दैट्स इट, ठीक है। अब पेपर में कैसे करना है सर ये तो बता दो, पेपर में कैसे करना है बहुत ईजी। देखो, अगर मान लो कभी कभी ना ये तीन नंबर में ही डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, ये दे दिया और आपको कोई भी एक डेट दे देगा, तो कैसे आप करोगे वो देखना। तो इसी क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पे आप टेबल बनाओ एक छोटी सी ऐसे, ऐसे, ठीक है, हाँ तो बोल दो। लो, यहाँ पे मैं अपने सारे प्रीवियस ईयर लिख रहा हूँ, किस साल आया था ये, यह आया था 16-17 में, तो 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 तो लिखना नहीं क्योंकि हमें किस साल का निकालना है, हमें 18-19 का ही निकालना है, ये हमारा अपना वाला प्रीवियस ईयर है। तो देखो ये 210 का मतलब पहले दो महीने तो इसने इसको कुछ नहीं मिला, समझ रहे हो मेरी बात, प्लस फिर इसे 12,000 रुपये मिले होंगे अगले 10 महीने तक, यही 12,000 अगले साल के मतलब इस वाले साल के शुरू के दो महीने में भी मिले होंगे, प्लस फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा 12,300 का इंटू 10। आप देख पा रहे हैं 210 क्या चल रहा है, ये इस चीज को नोटिस करो, ये चेंज चलती रहेगी, यही 12,300 फिर अगले साल के शुरू के दो महीने मिले होंगे और फिर इस साल इंक्रीमेंट लगा होगा 12,600 का अगले 10 महीने तक। तो हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है, ये कितना आ जाएगा जो ऊपर आया था 273600, सबकी कैलकुलेशन करके आप रख सकते हो आपका आंसर कौन सा होगा, 273600। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रीवियस ईयर 16-17 में कितना मिला इसे, तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, प्रीवियस ईयर है ना सारे, ये वाला कैलकुलेट करोगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि असेसमेंट ईयर 17-18 में कितना मिला, तो असेसमेंट ईयर 17-18 का मतलब है कि प्रीवियस ईयर 16-17 में कितना मिला, यहां मत पहुंच जाना, बोलता है असेसमेंट ईयर 17-18, असेसमेंट ईयर 17-18 मतलब प्रीवियस ईयर 16-17, तो आपको यही कैलकुलेट करना है। अभी मैंने पूछा है असेसमेंट ईयर, अभी मैंने पूछा है असेसमेंट ईयर 19-20 की क्या बेसिक सैलरी बन रही है, तो आपको कौन सा प्रीवियस ईयर लेना है, 18-19 लेना है, ये चीजें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। इस वीडियो में बस एक लास्ट क्वेश्चन और कर रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन करूं मैं, इसमें ई वाला करने जा रहा हूं इसी ग्रेड पेपर, डन। और उसके बाद अगली वीडियो में हम अलाउंसेस शुरू करेंगे। वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो आप अपने दोस्तों के साथ, और कंजूसी लाइक की तो इतनी मुझे पता है कंजूसी नहीं कर रहे हो, भूल जाते हो, कंजूसी वर्ड गलत है, आप भूल जा रहे हो, लेकिन यार थोड़ा सा पॉज करो, नीचे जाओ पीछे जाओ जो भी है लाइक कर दो, डिसलाइक कर दो अगर पसंद नहीं आ रही है, तो देखो फायदा हो रहा है तो लाइक तो जरूर बनता है। सब्सक्राइब कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप नए नए यूजर्स हो अभी अभी आप मेरे चैनल पर आए हो तो प्रमोट करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा चैनल पता है पीछे रह जाएगा और फिर मैं कुछ भी चीज़ें डालूंगा वो कहीं किसी को मिल ही नहीं पाएंगी, इवन आपको भी नहीं मिल पाएंगी। नोटिफिकेशन कैसे आएंगी, बेल आइकन वगैरह दबाना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या होता है उसमें, वो सब सारी चीज़ें आप कर लो अपने आप, आपको पता सब कुछ है, आप करते कुछ नहीं हो। आगे चलते हैं, सी वाला मैंने कर दिया, मैं करने जा रहा हूँ ई वाला। तो ई वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे इसी ग्रेड पे से, वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अच्छा ये बताओ, मैं टेबुलर फॉर्म से करूँ या ग्राफिक फॉर्म से, पहले ग्राफिक फॉर्म से करता हूँ, टेबुलर फॉर्म आप खुद करोगे, ठीक। तो ग्राफिक फॉर्म से मैं करता हूँ, कौन सा साल है पहले ये बता दो, ये
कौन बताएगा, है किसी में दम? ये है सॉरी 14 15। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने सही जवाब दिया बस। 14 15 क्यों 14 15 है? क्योंकि ना ये फेब्रवरी है, तो यार सोच के देखो जरा, अप्रैल से शुरू होता है कोई महीना और फेब्रवरी आता है लगभग लगभग यहाँ, तो ये कौन से फेब्रवरी, 2015, तो ये शुरू कब से हुआ होगा? 1 अप्रैल 2014 से शुरू हुआ होगा और ख़त्म कब होगा? 31 3 2015 में। तो फेब्रवरी ये कौन सा है? 15 का है, दैट मीन्स ये 14 15 वाला साल है, ये 14 15 है, तो ये 14 15 में आया है। मैं बस यहाँ पे नंबर लाइन बना लेता हूँ फटाफट से, तो ये रही नंबर लाइन 14 15। फॉन्ट साइज छोटा हो तो यार कमेंट कर देना कि मैं थोड़ा बड़ा लिखूं, कोई भी प्रॉब्लम होती है। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं सीख रहा, वीडियो बनाना सीख रहा हूँ। मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है, वीडियो बनाने में इतना सारा सेटअप होता है, इसे एडिट करो वो करो पता नहीं इतना सारा झमेला, तब जाके एक वीडियो निकल कर आती है और उसको भी लाइक नहीं मिलता, बड़ा बुरा लगता है फिर। चलो वो बात की बात है, लाइक वाइक बीच में नहीं बोलूंगा अब। ये आ गया 14 15 15 16 16 17 17 18, एंड दिस इज अबाउट प्रीवियस ईयर 18 19 प्रीवियस ईयर। ये आपका वो असेसमेंट ईयर है जिसमें आप कैलकुलेट करने जा रहे हो कि आपको प्रीवियस ईयर में कितना मिला बेसिक सैलरी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, समझ आ गई। तो अब ये भाई साहब आए थे कब? फेब्रवरी में। आपको पता होगा, क्वेश्चन तो देख ही लिया था आपने, कब आए थे ये? फेब्रवरी में आए थे 2015 में। तो यहाँ पे इसको 2015 में बुलाते हैं जरा, ये लो। तो अप्रैल से चला 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 यहाँ पे आए थे, फेब्रवरी लगभग यहाँ होता है, तो यहाँ से इन्होंने 1 साल काम किया होगा अगले फेब्रवरी तक, ये लगभग फेब्रवरी है, यहाँ से इन्होंने काम किया होगा फिर एक अगले फेब्रवरी तक, इनका फिर इंक्रीमेंट लगा होगा यहाँ तक, फिर एक और इंक्रीमेंट लगा होगा यहाँ तक, और ऐसे करके ये आगे चला गया होगा इस साल तक। हमें आगे से मतलब नहीं है, हमें तो अपने 18 19 से मतलब है। तो अगर मैं रेशियो देखूँ, फेब्रवरी है ना, 1 फेब्रवरी है, तो शुरू के कितने महीने हैं और ये लास्ट के, फेब्रवरी के बाद फैब मार्च, 2 महीने तो ये हो गए, तो 2 महीने और इधर होते हैं 10, तो 10 2 का रेशियो चलेगा, सिंपल है, 10 2 का रेशियो चलेगा। तो पहले साल इसने काम किया होगा 12,000 पे, मेरे को तो ग्रेड पे याद है, फिर 12 300 पे, कैसे कर रहा हूँ ये देख पा रहे हो? ये देख लो, देख लो, 12,000 12 300 12 600, तब तक वो इंक्रीमेंट जुड़ता रहेगा जब तक वो 13 800 पे ना हो जाए। 13 800 पे आने के बाद 400 का इंक्रीमेंट लगेगा। आपका मन कर रहा होगा यार एक ऐसा क्वेश्चन भी सिखा दो जिसमें हम यहाँ तक पहुँचे, तो उसके लिए डेट जो सबसे पीछे है, जैसे ये 2014 है, 2013 है, इस क्वेश्चन को करोगे ना तो आप 13 800 तक भी पहुँच जाओगे, तो ऐसे करना पड़ेगा। मान लो ये 2008 में आया होता तो ये पूरा ग्रेड पे तक आज यहाँ तक पहुँच जाएगा इस क्वेश्चन को। तो अपने आप से एग्जाम्पल बनाओ, ठीक है, मैं होमवर्क भी दूंगा आपको अभी और अगले बार उसका आंसर भी। तो फिलहाल 12 300 के बाद 12 600, 12 900, और ये 12 12 12 12 13 200, ऐसे चलेगा ये। तो हमारे को 18 19 कहाँ था? देखो 18 19 में गड़बड़ मत कर देना, मैंने ऐसे ऐसे ये है ना, ये मेरे साल हैं, ये साल शुरू हो रहे हैं यहाँ से, और ये तो इंक्रीमेंट है, तो मेरा ये 18 19 यहाँ से यहाँ तक है, ये मेरा 18 19 है। 18 19 में मुझे इतने महीने, कितने महीने थे ये? 10, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था ना, ये 10 महीने, तो मुझे 12 900 मिले, 10 महीने 12 900 मिले, प्लस इंक्रीमेंट कौन सा लग गया था ये 13 200 का, 13 200 मिला, तो कितना हो जाएगा ये? 12 900 के हिसाब से ये हो जाएगा x10 इतना, और ये हो जाएगा, अरे मैं तो शॉर्टकट करना सिखा रहा था ना आपको, ये मैं नहीं कर रहा, मैं तो शॉर्टकट करूंगा। 12 900 पहले कैलकुलेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, कई बार ना यहाँ पे जी टी वी टी लिखा होता है, ये ग्रैंड टोटल, यानी उसकी मेमोरी फुल होती है, तो 2 बार इसे दबा दोगे आप तो वो खाली हो जाएगा 2 बार। तो अभी 12 900 x10 इक्वल्स टू, दबा दो कुछ मत छेड़ना, उंगलियों को पीछे रख लो, दोबारा इसे कैलकुलेट कर लो, 13 200 x2 एंड इक्वल्स टू, अब दबा दो इसका जी टी, तो ये आ जाएगा 1 55, कितना 400, ठीक है, इस तरीके से करना। अब आपका मन कर रहा हूँ, मुझे पता है मन तो कर रहा होगा, इसे टेबुलर में भी बता दो, बट टेबुलर में कुछ नहीं होगा, देखो ऐसे होगा टेबुलर, फटाफट बना दो। ये आपका ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पे पर्टिकुलर लिख लेना खुद से, कौन से साल में आया? 14 15 में ना, तो 14 15 15 16 16 17 17 18, और अपना प्रीवियस ईयर आ गया 18 19, ठीक है।
तो 14-15 में आया, शुरू के 10 महीने में तो इसे कुछ नहीं मिला होगा, तो शुरू के 10 महीने में इसे 0 रुपये मिले, प्लस लास्ट के 2 महीने में इसे 12,000 रुपये मिले। यही 12,000 अगले 10 महीने में मिले होंगे, तभी तो देखो 12,000 पे 2 महीने यहाँ काम कर लिए और उसी 12,000 पे 10 महीने इसमें इस साल के में काम करे, तो टोटल 12 महीने इसने 12,000 पे काम कर लिया, 2 महीने फिर इंक्रीमेंट के साथ काम किया होगा। ये चेन बना लो अब इसको, ये फिर इधर 10 × 12 = 300 प्लस 2 × फिर इंक्रीमेंट लगेगा 12,600, फिर ये वापस यहीं पे 10 × 12,600 एंड देन फिर इंक्रीमेंट लगेगा 10 × 12,900 और फिर ये वापस यहीं आएगा 10 × 12,900 एंड फिर इंक्रीमेंट लगेगा 2 × 13,200। तो यही तो आ रहा था लास्ट वाला, यही तो आ रहा था 10 × जो भी है मैंने इधर उधर लिखा है 12,900 × 10 एंड प्लस 13,200 × 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1,55,400 आ जाएगा आपका बेसिक सैलरी। कुछ समझ आ रहा है मेरी बात? अब आपको होमवर्क में पता है क्या करना है, मिस्टर बीन जो है मिस्टर बीन, और मुझे कमेंट चाहिए, कमेंट नहीं करोगे तो फिर देख लेना, कमेंट में आपको करना क्या, इसी ग्रेड पे, इसी ग्रेड पे पर मिस्टर बीन ने ज्वाइन किया 1/11/2008 में ज्वाइन किया, आपको मुझे बताना है कि प्रीवियस ईयर 18-19 में इनकी कितनी बेसिक सैलरी बन रही है, दैट इज योर क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन आपको ही करना है। मैं फिर बोल देता हूँ ग्रेड पे यही सेम है, ये भाई साहब इस तारीख को आए हैं, आपको 18-19 में कितना मिला बेसिक सैलरी वो बताना है। बाय बाय, टेक केयर, घर में रहिए, कोरोना वायरस से बचने का एक यही तरीका है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर भी कह रहे हैं घर में रहिए, घर में रहिए, अपने छोटे भाई बहनों को समझाओ कि कैसे अपने आप को हाइजीन रखना है जिससे हम इस सब चीज़ों से सेफ रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, नहीं तो फिर डिसलाइक करो, कुछ भी करो, कमेंट्स करो अपने डाउट, सजेशन, फीडबैक्स और इसका आंसर। बाय बाय।